डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पर पहली जीत हासिल कर ली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम आईपीएल 2023 के 35वें मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हरा दिया। वहीं इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से यश दयाल नहीं खेले। वहीं गुजरात की जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब ये सवाल कप्तान हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि यश दयाल क्यों नहीं खेल रहे, तब पांड्या ने यश दयाल को लेकर बड़ा खुलासा किया। पांड्या ने बताया कि केकेआर के खिलाफ मैच के बाद से यश दयाल बीमार चल रहे हैं। वहीं 10 दिन में उनका 8 से 9 किलो वजन घट गया है। वो फिलहाल क्रिकेट खेलने की हालत में नहीं है। उन्हें मैदान पर वापसी करने में अभी कुछ समय लग सकता है। हालांकि वापसी के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वह मैदान पर कब तक लौटेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में केकेआर और गुजरात की टीमें आमने सामने थी। वहीं इस मैच में केकेआर को आखिरी ओवर में 29 रनों की ज़रूरत थी। वहीं रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद थे और गुजरात के लिए यश दयाल आखिरी ओवर डालने आए थे। सबको लग रहा था कि आखिरी ओवर में इतने रन नहीं बनेंगे और गुजरात टाइटंस आसानी से मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन रिंकू सिंह ने 5 छक्के ठोक मैच पलटने के साथ इतिहास रच दिया था। वहीं अगर आज के मुकाबले के बारे में बात करें तो आज का मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल 2023 का 36वां मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं आज ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या रिंकू सिंह का बल्ला बोलता है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।